हेलो एवरीवन, क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप जब भी अपने लैपटॉप का जी बटन प्रेस करते हैं तो जी बटन कोई कमांड आपको नहीं देता है, यानी कि जी बटन एक्टिवेट ही नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पास आपको इसका जी बटन यानी कि गेम शिफ्ट मोड बटन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही आप ये जी बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पास आपको कमांड लिख के आएगा, एलियनवेयर कमांड सेंटर हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल्ड। अब एलियनवेयर कमांड सेंटर आपको कहाँ पर मिलेगा, मैं यहाँ पे सर्च बार में जाऊँगा नीचे एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एलियन वेयर कमांड सेंटर या फिर AWCC। यहाँ पे लिख के आ चुका है, ए टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है एलियन वेयर कमांड सेंटर। तो अब आप खुद साउंड सुनिए कि इसकी साउंड कितनी तेज़ हो चुकी है, सुनिए। तो ये फ़र्क आता है जब हम अपने लैपटॉप का एलियन वेयर कमांड सेंटर मोड को इनेबल करते हैं। तो जैसे ही मैंने इनेबल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पास में जाने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। जैसे ही ओपन होगा, इसे स्किप कीजिए। अब ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मांग रहा है, अभी इसे आप स्किप कीजिए। स्किप करने के बाद यहाँ पे आप इसके फ्यूजन पे जाइए, आपके यहाँ पे ऊपर साइड में लिखा रहेगा फ्यूजन, आपको यहाँ फ्यूजन पे जाना है एंड यहाँ पे देखिए आप, एंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए CPU फैन यानी कि जो फैन की स्पीड है फुल 100% पे चल रहा है, फैन की स्पीड फुल 100 है। GPU का जो फैन है जिसका टेम्परेचर वो 39 डिग्री सेल्सियस है एंड आपको CPU का फैन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों का जी बटन काम ही नहीं कर रहा है। वो जी बटन जैसे ही प्रेस करते हैं उनका जी बटन वर्क ही नहीं करता है। अब जैसे मैं बंद करूँगा तो यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होगा, देखिए एलियन वेयर कमांड सेंटर हाई परफॉर्मेंस मोड डिसेबल्ड। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि उनका ये जो ट्रिक है यानी कि ये जो कमांड है ये वर्क ही नहीं कर रहा है, यानी कि जी बटन वर्क ही नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एलियन वेयर कमांड सेंटर का जो एप्लीकेशन है इसे अनइंस्टॉल कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीधी सी जो बात बताऊं, यहाँ पे इसमें आप सर्च कीजिए, डबल टाइप कीजिए, यहाँ से अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद एलियन वेयर कमांड सेंटर आपके पीसी से पूर्णतः यानी कि फुल हट जाएगा। उसके बाद आपको जाना है क्रोम में, गूगल पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है डेल ड्राइवर्स। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है डेल ड्राइवर्स, डेल ड्राइवर्स में जाइए। डेल ड्राइवर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फर्स्ट में ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स डेल इंडिया। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या आपके लैपटॉप के पीछे मेंशन होती है या फिर आप इसे जब परचेस किए होंगे तो आपके उसमें मैनुअल में लिखी रही होगी। अभी देखिए आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका खुद जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाई करेगा। मैं जैसे ही यहाँ पे डालूंगा तो मेरा ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो ये मेरा लैपटॉप का सर्विस टैग है। आपको अपने लैपटॉप का सर्विस टैग इसमें आप इनपुट करना है। जैसे ही मैं अपने यहाँ पे इनपुट करूंगा तो जितने भी ड्राइवर्स रहेंगे वो हमको सारे के सारे शो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैप्चर कर रहा है विंडोज़ 1064 बिट, ठीक है ना, ये विंडोज़ 1064 बिट को कैप्चर कर रहा है, कैटेगरी ऑल। और ये देखिए एंटर अ ड्राइवर, मतलब ये आप स्पेसिफिक कोई ड्राइवर को डाउनलोड करना चाहिए तो वो कर सकते हैं एंड डाउनलोड टाइप आपके यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑल। तो यहाँ पे आप ये मत कीजिएगा कि आपने कोई, यहाँ पे देखिएगा ऑल सेलेक्ट रहे, यहाँ पे ये नहीं कि आपने यूटिलिटी कर दिया फिर सिस्टम बायोस बस को इंस्टॉल किया बाकी आप ड्राइवर्स और एप्लीकेशन को मिस आउट कर दिए, नहीं। यहाँ पे आपको विंडोज 10, जैसे ही आप AWCC यानी कि एलियन वेयर कमांड सेंटर को अनइंस्टॉल करेंगे, वहाँ यहाँ पे आपको एलियन वेयर कमांड सेंटर का एप्लीकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे इस प्रकार आपको लिखा हुआ है, ये देखिए एलियन वेयर कमांड सेंटर एप्लीकेशन। तो देखिए अभी मेरे में यहाँ पे रिकमेंडेड है बिकॉज मैंने डाउनलोड कर चुका है, तो मेरे में ये रिकमेंडेड को शो कर रहा है कि रिकमेंडेड है एलियन वेयर कमांड सेंटर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे जाइए, अगर विंडोज 11 शो कर रहा है तो विंडोज 11 को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए एंड अगर आपको विंडोज 11 का सेलेक्ट होके नहीं दिखा रहा है तो आप विंडोज 10 के भी जितने ड्राइवर्स हैं आप इसको इंस्टॉल कीजिए। अब जो यहाँ पे अर्जेंट अर्जेंट है यानी कि जो रिकमेंडेड है उसको आप लीव कर दीजिए यानी कि छोड़ दीजिए, लेकिन जो अर्जेंट अर्जेंट है उनको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल अपने आप हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद जब कुछ सब कुछ हो जाए आपको एलियन वेयर कमांड सेंटर इसी में मिलेगा, आप फिर से इसमें इंस्टॉल कीजिए एलियन वेयर कमांड सेंटर, उसको अनइंस्टॉल करने के बाद इसमें फिर से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद एलियन वेयर कमांड सेंटर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एलियन वेयर कमांड सेंटर, मैं जैसे यहाँ पे गया
अभी देखिए Alienware कमांड सेंटर, ये बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि मैंने खुद अभी इसे डाउनलोड किया है और अभी ही मैंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहे हैं कि एडिशनल कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड, जब आपके साथ में ये वाला पेज आता है एडिशनल कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैं डाउनलोड नहीं करूँगा बिकॉज डेटा की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके जितने भी ऐप्स या सॉरी आपके जितने भी गेम्स रहेंगे वो यहाँ पे आपको इस विंडो में आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको गेम्स आपके इस विंडोज़ में शो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आपको AWCC की सेटिंग्स करनी पड़ेगी, यानी कि आप लाइब्रेरी में जाके ऑलरेडी इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास, अभी आप खुद नोटिस कीजिए कि मेरे पास एसफॉल्ट 9 है, यानी कि मैं आपको बता, मैंने तो आपको बोल दिया कि आप सेटिंग्स कर लीजिए, लेकिन सेटिंग्स करनी कैसे, आपको मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक गेम है, आप खुद देखिए एसफॉल्ट 9, ये देखिए एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स मेरे पास ये वाला गेम है। तो अब ये वाले गेम को यहाँ पे शो होना चाहिए ना, आप खुद नोटिस कीजिए कि लेकिन वो एसफॉल्ट 9 यहाँ पे शो होते नहीं, चाहे आप ऑल में देख लीजिए चाहे आप फेवरेट्स में देख लीजिए, यहाँ पे शो होगा ही नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे शो कैसे करना है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा मैनुअल में, तो यहाँ पे ये पूरा स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग योर सिस्टम। अब स्कैन करते करते ये पूरा आपको बताएगा, देखिए ये लिख के आ रहा है स्कैनिंग योर सिस्टम, अभी से हम स्कैन हो देते। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, लेकिन मेन दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि मेन अपना जो गेम है वो नहीं आया। अब देखिए सब कुछ आ जाएगा लेकिन अपना गेम नहीं आएगा एसफॉल्ट 9, ये देखिए बाकी सारी चीज़ें आ गई, एक इसे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आया है, बाकी एक अपना गेम आया ही नहीं है। अब देखिए ये एक इसमें बग है, ये मैं कह सकता हूँ ये इसमें बग है। और अगर आपको पता है कि यहाँ पे गेम को कैसे लाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे इसके बारे में अभी कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है कि गेम को यहाँ पे कैसे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटो में सेट है तो ऑटो में ऑलरेडी आ जाना चाहिए। अब मैं नीचे यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन दिख रहा है, मैं ब्राउज़ करूँगा यहाँ पे, और ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे मैं एसफॉल्ट डालूँगा, ASPHALT, यहाँ मैंने एसफॉल्ट डाला और मैंने यहाँ पे जैसे एंटर किया यहाँ पे दिख गया था एसफॉल्ट फाइल नॉट फाउंड, यानी कि एसफॉल्ट गेम ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑटो में भी सेट कर दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको ऑटो में भी सेट कर दिया, तो सर्च कंप्लीट होने के बावजूद ये मेरे को मेरे गेम्स को यहाँ पे शो नहीं करते, यानी कि जो मेरा एसफॉल्ट 9 वाला गेम है वो मुझे यहाँ पे शो नहीं करते। आई डोंट नो कि प्रॉब्लम क्या है। तो आपको इस प्रकार अपने AWCC को सही कर लेना है, और AWCC के सारे एडिशनल कॉम्पोनेंट्स आपको डाउनलोड कर लेने, अगर आप एडिशनल कॉम्पोनेंट्स को डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपका ये AWCC रन नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, AWCC को अनइंस्टॉल कर देना है, सारी उसकी जो फाइल्स है उसे क्लियर आउट कर देना है, उसको अपने ड्राइवर्स को अपडेट करना है, सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है सबको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद फिर आपको AWCC ओपन करना है, और आपके नेट की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जिस हिसाब से वो आपका AWCC रन हो जाएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।